नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ सपना जी हैं, जिन्होंने अपनी बेटी का बर्थडे एक अनोखे तरीके से मनाया। जानते हैं इनके साथ सीधी बातचीत करके कैसे इनके अंदर ये सोच आई और क्या क्या इन्होंने अपने बेटी के बर्थडे वाले दिन किया। सपना जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सपना जी, आपने किस तरीके से अपनी बेटी का बर्थडे मनाया? देखिए मैम, आज मेरी बेटी का फर्स्ट बर्थडे है और मेरी बेटी 1 साल की हो चुकी है। आज मैंने अपनी बेटी का बर्थडे गरीब बच्चों को खाना बांट के, एक ज़रूरतमंद परिवार को पूरे महीने का राशन बांट के और गरीब बच्चों को कपड़े बांट कर, और मैंने पूरे 45 बच्चों को खाना खिलाया है। इस तरह से मैंने अपनी बेटी का आज बर्थडे सेलिब्रेट किया है। सपना जी, हर कोई अपनी बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, केक कटिंग करते हैं, पार्टीज़ करते हैं, लेकिन दूसरे बच्चों के लिए सोचना, वो भी ऐसे बच्चों के लिए जो आप लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं, ज़रूरतमंद लोगों को राशन देना, ऐसी सोच आपके अंदर कैसे आई? मैम देखो, पहले तो हमारे माइंड में ये ऐसा कुछ भी नहीं था कि बर्थडे कैसे, ये सब सोच आने के बारे में, लेकिन ये हमारे गुरुजी हैं, पूज्य गुरु सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी, इनसा उन्हीं के कहने पर, उन्हीं की प्रेरणा से ये सोच हमारे मन में आई है। वो हमेशा हमें वेलफेयर वर्क्स के बारे में बताते रहते हैं। 133 मानवता भलाई के उन्होंने काम किए हैं, जिनमें से फूड डिस्ट्रीब्यूशन, क्लॉथ डिस्ट्रीब्यूशन और ज़रूरतमंद परिवारों को खाना बांटना, ये उन्हीं की सोच, हम उन्हीं की वजह से आज हमारे मन में ये सोच आई है। मैम, आप कितने समय से जानते हो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी सर को? मैम 1998 से मैम गुरु जी को मैं जानती हूँ, तब से मैं उनसे जुड़ी हुई। हाँ जी मैम। कैसा महसूस होता है मैम उनके बारे में? मैम बहुत अच्छा महसूस होता है, उनके बिना आज वो हमारे बीच में देह रूप में नहीं है हालांकि, लेकिन उनकी कमी हर पल हमें बहुत महसूस होती है। मैम आज समाज को उनकी बहुत ज़रूरत है, जैसे कि आज नशे बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं, दुनिया में भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है, तो मेरी तो यही अपील है कि गुरुजी जल्दी से जल्दी हमारे बीच आएं। सपना जी, आप समाज को क्या कहोगे? जैसे आप जो बता रहे हैं अभी, आप उनके कहने से ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं, समाज में एक बहुत अलग छवि 4 साल पहले मीडिया के द्वारा दिखाई जा रही थी सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा के लिए, उनके ऊपर काफ़ी एलिगेशंस भी अलग अलग तरीके के लगाए जा रहे थे, आपको क्या लगता है, पर्सनली क्या राय है? मैम जैसे कि 4 साल पहले जो एलिगेशन गुरुजी पे लगाए वो सरासर झूठ है, उसमें बिल्कुल भी सच्चाई है ही नहीं है, क्योंकि हमने सब कुछ अपनी आँखों से देखा है। पूज्य गुरुजी के बारे में तो हमारे पास शब्द ही नहीं है कि हम उनके लिए कुछ कहें, वो तो एक भगवान के रूप में हम उनको देखते हैं। सब लोग ही, जैसे हम यंग बच्चे हैं, हम उनको गुरुजी के रूप में एक भगवान की तरह पूजते हैं। और ये जो समाज में ये सब मीडिया ने जो सब कुछ दिखाया वो फेक है। और क्या आप समाज को अपने वीडियो के द्वारा असली सच्चाई क्या बताना चाहेंगे, मतलब रियल फैक्ट क्या है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा के, रियलिटी क्या है डेरा सच्चा सौदा की? मैम रियलिटी तो डेरा सच्चा सौदा की यही है कि जो भी मीडिया ने दिखाया वो बिल्कुल झूठ है। यहाँ पे श्रम धर्म संगम का एक पाठ पढ़ाया जाता है और बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाती है, एजुकेशन, एक हाई लेवल की एजुकेशन बच्चों को दी जाती है, मानवता भलाई के कार्य किए जाते हैं। जैसे कि आजकल आप देखते ही हैं लोग कैसे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में डाल देते हैं, उनको खाना तक भी नहीं देते, लेकिन उनके कहने पर कैसे लोग गरीबों को खाना खिला रहे हैं, कपड़े बांट रहे हैं, ये सब पूज्य गुरुजी की वजह से किया है। जैसे कि आपने देखा कि मानवता भलाई के जो भी कार्य आज मैंने अपनी बेटी के बर्थडे पे किए हैं, ये सब पूज्य गुरुजी की प्रेरणा से ही किए हैं। आप दूसरे लोगों को कैसे कहना चाहोगे, जैसे आपने अपनी बेटी का जन्मदिन मनाया, लोग बेटे की बात करते हैं, अपनी बेटी के लिए ये किया, क्या संदेश देना चाहोगे अपनी बेटी? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो बेटियाँ होती हैं, बेटी सबका इतना ज़्यादा करती है, बेटी के अंदर जो भावनाएं होती हैं कहीं ना कहीं वो बेटे में, मतलब कुछ ना कुछ कमी रह जाती है मैम उसके बारे में। और बेटियां तो आपने पता ही है आजकल, मतलब आसमान को छू रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सपना मैम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों ये थे हमारे साथ सपना जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने अपनी बेटी का जन्मदिन को सेलिब्रेट किया है। आपकी क्या राय है, इनका कहना है कि ये सब चीज़ इनके अंदर जो आई है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा के कहने पर आई है, और ये अपील कर रहे हैं कि संत जी की समाज को सख्त ज़रूरत है।